Buzz. Can someone Photoshop and add Ritu Rati in this pic? सो हमारे फ्लाइंग बीस्ट गौरव बाजी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि कैन समवन फोटोशॉप हिज वाइफ रितु राठी इन दैट फोटो। सो इस फोटो में रितु भाभी है नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम उन्हें इस फोटो में फोटोशॉप करें। और अगर गौरव बाजी कह रहे हैं और हमारे इतने सारे जॉबलेस इसके भाई लोग ने अगर हमें टैग करके बोला है कि बनाओ, तो बनाना तो पड़ेगा ना भाई। ओके, सो जैसा कि हम लोग इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो तनेजा फैमिली है वो सारे नीचे बैठे हुए हैं, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे रितु भाभी मिसिंग है। तो यहाँ पे हमें रितु भाभी को ऐड करना है। अब जब सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, तब हम लोग रितु भाभी को पीछे खड़ा नहीं रख सकते, हमें भी उन्हें बिठाना पड़ेगा नीचे। तो ऑब्वियसली हमें ऐसा फोटो यूज करना है जहाँ पे वो बैठी हुई है। अगर समझो कि मुझे परफेक्ट रितु भाभी का फोटो मिल जाता है और मैं रितु भाभी को ऐड कर देता हूँ पीछे, तो वो रियलिज्म नहीं लाएगा। बट अगर मैं रितु भाभी का एक ऐसा फोटो लेता हूँ जो इस फोटो के साथ इंटरैक्ट करे, तब वो परफेक्ट ब्लेंड होगा। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एडिट। सबसे पहले मैंने रितु भाभी का फोटो ऐड किया, उसको मैंने परफेक्टली सेट किया। अभी रितु भाभी को मैं यहाँ से कट करूंगा। ओके, सो ये मैंने कट कर दिया। थोड़ा सा हमें इंटरैक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल फोटो के साथ में। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, रितु भाभी यहाँ पे कट हो चुकी है। अब जिस ब्लेंड इन करने की बात मैं कर रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो रितु भाभी की जो सासू मैं, उनकी जो मम्मी जी है, उनको यहाँ पे मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ जैसे कि उन्होंने अपने मम्मी को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे हाथ डाला हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअल फोटो के साथ इंटरेक्ट कर रही है। जब एक्चुअल फोटो के साथ इंटरेक्ट कर रही हो, तब ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल फोटो है, ना ही कोई फोटोशॉप है। तो अभी हम लोग को जो सेकेंड वाली रसबरी है उसको हटाना है। हम लोग क्या करेंगे, रसबरी को हटाएंगे और वहां पे रितु भाभी का हम लोग हाथ ऐड करेंगे। हम लोग थोड़ा सा इधर उधर का उठा के हम लोग उसको बस रेप्लिकेट कर रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रितु की रसबरी जो है वहां से कम्प्लीटली हट गई है। बट अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो रितु भाभी का जो राइट हैंड साइड है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और बड़ा होने के साथ साथ वो अनरियलिस्टिक लग रहा है। अभी वो बड़ा हाथ इसलिए लग रहा है क्योंकि जो एक्चुअल फोटो है उस फोटो का एंगल अलग है, जिसके वजह से अभी फॉर एग्जांपल अभी ये फोटो देखो जहाँ पे आपको मेरा हाथ मेरे चेहरे से बड़ा दिख गया, क्योंकि ये कैमरा एंगल है। तो उसी तरीके से ये भी सेम कैमरा एंगल है, तो हमें उनके हाथ को छोटा करना पड़ेगा और उन्हें प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रितु भाभी के हाथ को कट किया और मैं उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ लूंगा, और ये मैंने अंदर की तरफ सेट कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रितु भाभी का हाथ जो है परफेक्टली वहां पे उनकी जो मम्मी जी है, उनकी जो सासू माँ है, उनके साथ साथ बैठ चुका है। अभी मैं उस पर कलर करेक्शंस करूंगा, क्योंकि हर फोटो का एक अलग कलर होता है। अभी जो है कलर्स हम लोग ने करेक्ट कर दिया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शैडोज ऐड करना। अब इस फोटो में अगर आप लोग देख सकते हो, इस फोटो में शैडोज जो है वो काफी कम दिख रहा है। जब किसी फोटो में आपको समझ में आता है कि यहाँ पे शैडोज ज्यादा है, इस डायरेक्शन में, इस एंगल में शैडोज है, तो उस फोटो को रियलिस्टिक बनाना कंपैरेटिवली आसान होता है। बट जिस फोटो में आपको शैडोज क्लियरली नहीं समझ रही कहाँ से गिर रहे, कैसे गिर रहे, तो उस फोटो में शैडोज का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली उनके लिए जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, जैसे कि मैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा शैडो ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ इधर उधर, कैसे ना कैसे, और मैंने कम्प्लीटली शैडोज ऐड कर दिया है। अभी भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, आई नो। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई फोटोशॉप का एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं बस प्रैक्टिस के साथ साथ सीखता हूँ, और ये फोटो भी मेरे लिए एक बार प्रैक्टिस है। अभी हम लोग इसको कैमरा रॉ फिल्टर में डाल के फाइनल इसको कलर लुकआउट देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने इसे कलर करेक्ट किया। कलर करेक्ट करने के बाद ये इमेज हमारे पास आता है। अभी जब हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स है। एक चीज ये कि रितु भाभी का हाथ जो है वो रसबरी के ऊपर आ रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल फोटो के हिसाब से अगर हम लोग सोचे तो रितु भाभी का हाथ रसबरी के पीछे आना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे बाकी के सारे फैमिली मेंबर जो है वो कैमरा की तरफ देख रहे हैं, बट रितु भाभी जो है वो लेफ्ट की तरफ देख रही है। बट हमें यहाँ पे परफेक्ट इमेज चाहिए। तो फॉर्चुनेटली जिस फोटो को मैंने यूज किया उसका एक और फोटो मुझे मिला स्लाइड करने के बाद, जहाँ पे रितु भाभी स्ट्रेट देख रही है। तो मैं उस फोटो को
मैं उस फोटो को इस फोटो के साथ मैच करने का कोशिश करूंगा और उस फोटो को मैं यहाँ पे रिप्लिकेट कर दूंगा। और यहाँ पे रितु भाभी अभी ऐसा लग रहा है कि रितु भाभी जो है वो स्ट्रेट कैमरा में देख रही है। और इसी के साथ साथ फिर से हम लोग थोड़े बहुत शेडोज इधर उधर करेंगे और रसभरी के हाथ को हम लोग पीछे लेंगे और फाइनल टचेस करने के बाद और इतनी सारी बातें करने के बाद फाइनली आवर पिक्चर इज रेडी। एंड मुझे पता नहीं ये रियल लग रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है कि मुझे पता नहीं कि अभी ये मतलब सच्ची लग रहा है या नहीं, बट ये तो तुम लोग को ही पता होगा। तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा तुम लोगों को, बताना। और लेट्स सी गौरव पाजी ये वीडियो देखते हैं कि यार गौरव पाजी देख रहे हो ये वीडियो, सो आप भी बताओ लग रहा है या नहीं असली। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस। बाल धोए मैंने तो पूरे बालों की वाट लग गई यार धोने के बाद। चलो गाइस लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड हाय टीना, ओके बाय बाय।